हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और देखिए, आज हम लोग बैठे हैं चाय पीने के लिए। चाय हमारी लेट हो गई है थोड़ी सी, बच्चे अभी उठे हैं। एक बार तो मैं काम अपना कर चुकी हूँ चाय का, फिर ये दूसरी चाय है। बच्चे उठे हैं तो उनके लिए मैंने चाय बनाई है। बच्चे देखो, गुड मॉर्निंग। ये ब्रेड देखो, लाल किले पे रखी है, कुतुब मीनार पे। और भाई चेहरी ठीक हो? क्या कर रहे हो? चाय पी रहे हैं। चाय पी रहे हैं बच्चे, अभी उठे हैं जस्ट, तो मैंने चाय बनाई है इनके लिए। मैंने कहा पी लो, फिर इनसे काम करवाती हूँ थोड़ा सा, ठीक है? मैंने चाय बना के दे दिया, मक्खन लगा दिया थोड़ा सा। और अभी हुई थी इससे पहले विधि की और प्रियांशी की लड़ाई चाय के ऊपर, तो चलते हैं नेक्स्ट क्या होगा। और मैं आज आपको एक बहुत अच्छी डिश बताने वाली हूँ, तो ठीक है ब्लॉग में बने रहिए। मैं आपको डिश बताऊँगी, केले के चिप्स। पहले मैंने बता दिया इसलिए देखिए ज़रूर। ये है हमारा किचन जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, और देखिए मेरे सामने खिड़की है, जो कि खिड़की स्कूल की तरफ खुल रही है, और यहाँ से कितनी अच्छी धूप आ रही है, आप देख रहे होंगे, बहुत अच्छी धूप आती है, धूप आ रही है। चलिए ये है देखो कच्चे केले, इनको मैं छील लेती हूँ, छील के फिर आपको दिखाती हूँ। ओके, इसी तरह से हम सारे केले छील लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, केले छिल चुके हैं मेरे, मैं इनको अब धो लूँगी। और ये देखिए वेस्टेज, इसको मैं फेंकूँगी नहीं, इसका मैं कंपोस्ट बनाऊँगी। मेरे पास बहुत सारे गमले हैं, तो कंपोस्ट बना के मैं उसमें मतलब गमलों में डालती हूँ, इसको मैं फेंकती नहीं। कोई भी वेजिटेबल्स के छिलके या फ्रूट्स के छिलके मैं वेस्ट नहीं करती, और आजकल तो हरी सब्जियां खूब आ रही हैं, तो उनका जो छीला कटा हुआ जो भी सब्ज़ी वेस्ट होती है मतलब, तो वो मैं मतलब रख लेती हूँ। और एक मैंने बाल्टी में करके रखा हुआ है ये सब, जब वो अच्छे से कंपोस्ट हो जाता है तो वो बहुत अच्छी खाद बनती है उसकी। बस मैं इसी अब मैं धोने जा रही हूँ ये। चलिए, कढ़ाई मैंने रख दी है गर्म होने के लिए, और अब मैं डालूँगी इसमें रिफाइन। आप कुछ भी ले सकते हो, रिफाइन या सरसों का तेल, आपको जो भी अच्छा लगे। एक तरफ देखो ये बन रहा है मेरा घी, मैंने आज सुबह ही इसको मतलब मिक्सी में चलाया है, चला के अब इसका जो एक्सेस पानी है वो इसमें सूख जाएगा, और थोड़ी देर बाद इसमें घी ऊपर आ जाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और ये रखी मेरी कढ़ाई, डालते हैं इसमें रिफाइन, इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। डीप फ्राई जैसे करते हैं, सिर्फ ऐसे ही चाहिए हमें। ये रहा ग्रेटर,
देखो फ्रेंड, पहले मैंने एक डाल के देखा था कि तेल मेरा गरम हुआ है कि नहीं। तेल मेरा अच्छे से गरम हो गया और ये देखो चिप्स। तो चलिए अब सारे डालेंगे। ये चिकन आप उसमें ये इनको थोड़ा सा चला देंगे। और देखिए ये मेरा घी बनके हो गया है तैयार। मैं इसको छलनी से छान लूंगी डब्बे में। ये प्योर घी, घर का देसी घी जो मैंने मलाई से बनाया है, इसको छान लूंगी तो एकदम साफ हो जाएगा। मतलब ये जो अंदर की मलाई वगैरह थोड़ी बहुत बच जाती है ना, ये उसका वो है मलाई की, तो छान लूंगी फिर ठीक हो जाएगा। बच्चे जब सुबह तो इतना नहीं है, लेकिन शाम को जब चाय वाय पीते हैं तो बच्चे मांगते हैं मम्मी कुछ चाय के साथ है स्नैक्स खाने के लिए। तो कई बार ऐसे होता है कि मैं घर पर ही बना लेती हूँ। तो देखिए मैं तो ये चिप्स बना के रख ली हूँ, मैं नमकीन भी बना के रख लेती हूँ, मट्ठी वगैरह भी बना के रख लेती हूँ। अभी घर में कोई था नहीं तो हम लोग चले गए थे बाहर। तो शनिवार को बाजार लगता है, मेरी बेटी एक केले लेकर आ गई थी, मम्मी इसका चिप्स बनाना है तो वो लेकर आई थी, मैं आज इसको बना रही हूँ। फिर कुछ और बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे। काफ़ी सामान लेकर आई थी, मैं गई हुई थी अपनी सिस्टर के यहाँ, तो मेरी एक बड़ी बेटी और छोटी बेटी दोनों बाजार गए थे, तो जो ज़रूरी घर का सामान था वो ले आए थे। एक प्लेट हमारी हो चुकी है फ्रेंड, ये दूसरी प्लेट हमारी तैयार हो रही है। इसको भी बनाते हैं, हम देखते हैं कैसे लगे हैं। चाट मसाला, ये देखिए चाट मसाला है, इसको हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। कोई बात नहीं, बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी है। फ्रेंड्स में मैंने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया और चाट मसाला भी डाल दिया, देखते हैं कैसे लगते हैं बच्चों को। विधि देखना कैसे लगे, कैसे बने हैं। वेरी नाइस, सारे खाना भूल जाएंगे। कैसा बना है? बहुत अच्छा, अच्छा लग रहा है, वेरी टेस्टी। दिखाना जरा हमारे फैमिली को दिखाओ। और अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा। अभी ये लोग चाय पी रहे थे यहाँ पे, तो मैंने अभी चिप्स बना के इनको दे दिए। दीदी से पहले तो मैं खत्म कर दूंगी सारे के सारे। अच्छा बना है, चलो ठीक है, मेहनत सफल हो गई मेरी। अभी ट्राई करके देखिएगा ये रेसिपी बनाना चिप्स की। फ्रेंड्स जब कढ़ाई रखी है और ऑयल भी गर्म है तो फिर क्या देरी है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़े से आलू के चिप्स भी बना लेते हैं जो तुरंत ताज़ा बनते हैं, उबाल के नहीं होते ऐसे ही। चलिए देखो फ्रेंड्स, ये कांच का जार है, मैं सारे चिप्स इसमें भर के रख दूंगी। आज का जार होता है तो उसमें मतलब जैसे नमी नहीं जाएगी तो ये क्रिस्पी ही बने रहेंगे, इसलिए मैं कांच के जार में ही रखती हूँ हमेशा। अचार भी मैं इसी में ही रखती हूँ। और ये देखो ये मेरे आलू के चिप्स हैं,
तैयार होने जा रहे हैं। जैसे अंकल बाजार में मिलते हैं ये, शायद अंकल चिप्स की तरह पतले पतले इस टाइप के बने हुए थे। बस ये हो चुके हैं मेरे। अब इनको ठंडा करके इसको ठंडा करूंगी मैं, फिर इसमें चाट मसाला डालूंगी और हल्का सा नॉर्मल जो सादा नमक है वो डालूंगी और इसको भर के फिर जार में रखूंगी। देखो फ्रेंड्स, मेरा डब्बा हो गया तैयार। कम से कम 2 दिन तो चलेगा। और आप भी अपने घर में ऐसे ट्राई कीजिए, सच में बहुत घर की चीज़ें जब ऐसे बनती है ना तो बहुत मज़ा आ जाता है और कहीं ना कहीं सुकून भी मिलता है कि हमने अपने हाथों से फ्रेश बनाया है। तो आप भी अपने बच्चों को बना के ये चीज़ खिलाइए। मैंने इसमें नमक और मसाला डाल दिया है और ठंडा कर दिया है इसको, ताकि इसमें जो नमी ना रहे, ठंडा कर दिया है थोड़ी देर। देखो फ्रेंड, इसमें केले के चिप्स और आलू के चिप्स हैं। आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा।